नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे कुछ एक अलग ही टॉपिक हटके, जैसे कि पूरी तरह गंजे हो जाने पर भी उस व्यक्ति पे नए बाल धीरे धीरे फूटने चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों हम आपको एक नुस्खा बताने जा रहे हैं, वो नुस्खा से आप जो गंजेपन का जो शिकार हो चुके हैं जो लोग, और जिन्हें गंजेपन की प्रॉब्लम से बाल टूट रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये बने रहिए हमारे वीडियो पर और चैनल सब्सक्राइब कर दिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि आजकल की एक आम समस्या हो गई है बालों का गिरना, क्योंकि आजकल के लोग बालों पे ध्यान नहीं देते हैं। जिन्हें टाइम नहीं मिलता है वो काम पर जाते हैं, काम अपनी पूरी तरह जीवन मतलब इसी व्यस्त व्यस्त में अपने बालों का ख्याल नहीं रख पाते हैं, और उन्हें खाने का डाइट में भी बराबर से ख्याल नहीं रहता। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनकी बाल टूटने की समस्या आम हो जाती है, और बाल टूटने से वो गंजे का शिकार हो जाते हैं। आजकल के युग में देख ही रहे हो कि मतलब जवान लड़के लोग के भी बाल मतलब गंजेपन का शिकार हो जाते हैं, उन्हें बाल गिरना शुरू हो जाता है, और उम्र से पहले ही उनकी ज़्यादा उम्र दिखने लग जाता है। जैसे कि वो अगर 20 के हैं तो 40 की उम्र जैसे दिखते हैं। तो ये आम समस्या सभी को फेस हो रही है, और आजकल के मतलब इतनी पॉल्यूशन भी है, जो लोग सिटी एरियाज में रहते हैं उनको ज़्यादा मतलब ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों एक ऐसे ही उपाय लेके आया हूँ मैं कि आप अपने बालों को मतलब जो गंजापन हो गए हैं, गंजापन के जो शिकार हो गए हैं, वो भी अपने बालों उगा सकते हैं, मतलब अपने सिर पे बाल वापस फिर से बाल फूटना शुरू हो जाएगा इस मेरे नुस्खे के। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज जानते हैं कि आजकल के अधिकतर युवा बाल सफ़ेद होने पर असमय गिरने की समस्या से परेशान है। इस समय के कारण बहुत से युवा समय से पहले ही ज़्यादा उम्र के दिखने लगते हैं। दोस्तों किसी भी व्यक्ति के बालों का समय से पहले झड़ जाने का रोग गंजापन कहलाता है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं क्या, बहुत से लोगों में गंजेपन का रोग अनुवांशिक कारणों से भी होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को पुराने पूर्वजों के समय ही गंजेपन का रोग होता है। यह रोग साबुन से सिर के धोने से भी होता है। दोस्तों एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल करने से या गलत शैम्पू को सिर में लगाने से हो जाता है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए कुछ नए नुस्खे के बारे में बताएंगे कि किस तरह आप इस समस्या से आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि चुकंदर तो जानते हो बीट, चुकंदर के पत्ते आपको तोड़ लेना है 50 ग्राम, या लेके आइए कहीं मार्केट से, जब आपको सब्जी जहाँ से लेते हैं तो चुकंदर के साथ जो आता है उसे आपको लेना है, और नारियल का तेल लेना है। तो इसको क्या करना है, 10 दिन तक कोई भी नीले कांच की बोतल में सूरज की धूप में आपको रखना है, ठीक है, ठीक 10 दिनों तक। फिर आपको क्या करना है, चुकंदर के पत्ते का रस सिर में मालिश करने से गंजेपन का रोग मिट जाता है और सिर में नए बाल आना शुरू कर जाता है। बंद जड़ों में जो होता है, आपके जो कोशिकाएं होती है जहाँ बंद हो जाती है जो बोलते हैं, तो वो खुल जाती है, जो पोल्स होते हैं भैर के, तो वो फूल्स खुलने लगते हैं और आपके बाल निकल लेते हैं। दोस्तों आपको ये धूप में सुखा के आपको फिर बाद में ये तेल आपके बालों में मालिश करना, और जहाँ पर गंजेपन का शिकार हो चुके हैं वहाँ पर ये तेल को हल्के हल्के मालिश करना है। इस तरह आपको रोज़ सुबह शाम मालिश करना, इस तरह आप देखेंगे कि आपको महीनों भर के अंदर आपके बाल आने शुरू हो जाएंगे। गंजेपन के रोग में सूर्य किरण और रंग चिकित्सा के माध्यम से तैयार सूर्य चार्ज नारियल का नीला तेल दिन में 2 बार सिर पे अच्छी तरह लगाना चाहिए। जो मैं बात की अभी इसके पहले वीडियो में उसी के बारे में बता रहा हूँ। इसके साथ ही नीले सेलीफोन कागज के 5-10 मिनट सूर्य की रोशनी देने पर गंजापन दूर होकर सिर में नए बाल पैदा होने लगते हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं कि जैसे कि किन बातों का ख्याल रखना है आपको। चुकंदर के बीजों को अधिक मात्रा में सेवन आमाशय के लिए हानिकारक होता है। दोस्तों तो चुकंदर का रस आपको उपयोग करते समय ध्यान में रखें कि आँखों में न जाए, क्योंकि यह हानिकारक हो सकता है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे 12 घरेलू उपाय हैं जो आप ये जो गंजेपन का शिकार हो रहे या बाल गिर रहे तो उससे कैसे निजात पाया जाए और बालों को कैसे ख्याल किया जाए। तो कुछ आपको 12 घरेलू उपाय बता रहा हूँ जिन्हें बालों की प्रॉब्लम है, गंजेपन का शिकार है या बाल टूट रहे हैं। तो दोस्तों पहला उपाय है कि आपको प्याज का पेस्ट, मतलब प्याज का पेस्ट किस तरह यूज़ करना है। तो कुछ दिनों तक आपको नहाने से मतलब आधा घंटा पहले रोजाना सिर में प्याज का पेस्ट लगाना है। इससे क्या होता है दोस्तों, जो सफ़ेद बाल होते हैं वो काले होने लग जाते हैं और आपके बाल लंबे होने लगते हैं और बाल चमकदार भी बनते हैं। तो दोस्तों दूसरा उपाय है आपको नारियल का तेल या जैतून का तेल, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, 1/2 कप नारियल का तेल या जैतून का तेल को हल्का सा गर्म करना है। इसमें आपको 4 ग्राम कपूर मिला लेना, ज़्यादा नहीं मिलाना, आपको ध्यान रखिए 4 ग्राम कपूर मिला लेना है। अब इस तेल को धीरे धीरे आपको मालिश करना है, इसकी मालिश से सप्ताह में 1 बार जरूर करना है, क्योंकि इससे आपको आपके बालों की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी और बाल काले भी हो जाएंगे और बाल लंबे भी हो जाएंगे। अब तीसरे उपाय की ओर चलते थे दोस्तों, गाय का शुद्ध देसी घी।
गाय का दूध देशी घी की बात किया जाए दोस्तों, आजकल के पैकेट्स में बहुत सारे घी आते हैं, काओ घी, प्योर मिल्क, लेकिन दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि उसमें बहुत ही ऐसी होंगी कि जो आपको प्योर मिलेंगी। गांव की देशी घी या कोई आपका पहचान हो जहाँ पर ये गाय के दूध देशी घी मिलती हो तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। तो आपको मैं बता दूँ प्रतिदिन आपको क्या करना है, गाय का शुद्ध देसी घी सिर पर मालिश करना है, ठीक है। सिर पर मालिश करने से आपको जो सफ़ेद बालों है वो धीरे धीरे काला होना शुरू हो जाता है। अब चौथे उपाय की बात की जाए तो दोस्तों, भृंगराज और अश्वगंधा और नारियल तेल, मतलब ये तीन चीज आपको मिला के आपको ये करना है, भृंगराज हुआ या अश्वगंधा और ये नारियल तेल। नारियल तेल तो बहुत ही बालों के लिए बहुत फायदा है, उसके लिए प्रोटीन्स प्रोवाइड करती है और बालों का ख्याल करता है, बालों लंबे और रेशम बनाते हैं। दोस्तों भृंगराज अश्वगंधा की जड़ों बालों के लिए भी एक वरदान है, ये आजकल मतलब बहुत ही आयुर्वेदिक शैम्पू में या आयुर्वेदिक तेल में मिलता है, इस तरीके से तो आपको मुश्किल से मतलब देखा जाएगा कि मिलेगा, लेकिन इनका पेस्ट जो नारियल के तेल के साथ आप बालों के जड़ों में लगाते हैं तो घंटे बाद एक घंटे बाद आपको क्या गुनगुने पानी से धो लेना है, ऐसे करने से भी आपके बाल की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों दूसरे उपाय की बात की जाए तो आंवले पाउडर में आपको नींबू का रस डालना है, नींबू का रस डाल के भी आप कर सकते हैं, जैसे कि नींबू का रस मिला कर नियमित रूप से इसे लगाना है। अब शैम्पू के बाद आंवला पाउडर पानी में घोल कर लगाने से भी बालों की समस्या जो होती है वो ठीक हो जाती है। क्या काम करती है कि आपका बालों को एक कंडीशनर की काम करती है, जो आपको बालों को रेशम बनाती है, खुले बनाती है और एक काले बनाती है। दोस्तों आंवला किसी न किसी रूप में आपको सेवन भी करना चाहिए, आप या जूस बना के पी सकते हैं या उसकी चटनी बना के भी खा सकते हैं, तो ऐसे करने से भी आपके बालों को समस्या जो होती है आंवले से ज़्यादा फायदा करता है। लेकिन आपको आंवला ज़्यादा हद से ज़्यादा सेवन नहीं करना है क्योंकि उसके भी कुछ नुकसानदायक चीज़ है। दोस्तों अब बात करेंगे तो कच्चे पपीते का पेस्ट, अब कच्चे पपीता भी आप जानते होंगे कच्चा पपीता बहुत ही फायदा है दोस्तों, वो अपने स्किन की भी प्रॉब्लम को ठीक करता है और बालों की भी प्रॉब्लम को ठीक करता है। दोस्तों सप्ताह में कम से कम 3 दिन 10 मिनट का कच्चा पपीता का पेस्ट सिर में लगाना है आपको, इससे बाल नहीं झड़ेंगे और डैंड्रफ भी नहीं होगी और सफ़ेद बाल जो आपको हो रहे समय से पहले वो काला होने भी शुरू हो जाएंगे और आपकी सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब अगला उपाय की बात की जाए तो दोस्तों एक नींबू और आंवला, नींबू और आंवला का आपको क्या करना है रस मिलाकर एक साथ में आपको बालों में लगाना है, तो इससे क्या होता है दोस्तों सफ़ेद बाल आपको रिजल्ट आपको हफ्ते में ही आ जाएगा, सफ़ेद बाल काले होने शुरू हो जाएंगे। आंवला का आप बहुत ही अच्छा फायदा मानो क्योंकि आंवला का रस लगाने से आंवला खाने से आपके बाल काले होते हैं, ये ट्राई कर चुका हूँ दोस्तों, आप भी ट्राई कीजिए, नहीं यकीन मानो तो बॉक्स में अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता देना कि इस मैंने लगाया है नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने ट्राई कर चुका हूँ। दोस्तों अगला चीज़ है अदरक और शहद, अदरक को कद्दूकस कर लेना है, आपको उसका रस शहद में मिला लेना है। अब इसको क्या करना है सप्ताह में 2 बार नियमित रूप से बालों में लगाना है, ऐसे क्या होता है जिन लोगों के सफ़ेद बालों की समस्या बाल सफ़ेद हो रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छादायक नुस्खा है। दोस्तों अब बात की जाए तो दही और टमाटर, नींबू का रस और नीलगिरी, दही के साथ टमाटर को पीस लेना है आपको, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस और नीलगिरी का तेल मिला लेना है, इससे सिर की मालिश सप्ताह में 2 बार करना है आपको, बाल लंबी उम्र तक आपके काले रहेंगे और घने रहेंगे और लंबे रहेंगे। ये नुस्खा बहुत ही ज़ोरदार है लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपने अपनाया नहीं लेकिन इसे करके देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही फायदा करता है। ध्यान रखिए नींबू टमाटर दही और नीलगिरी जो आती है, नीलगिरी का जो झाड़ होता है उसका जो तेल निकलता है वो बहुत ही फायदा करता है बालों को, जो बालों कल काले करने के लिए उसके लिए बहुत ही फायदा है। तिल का तेल तो बरसों से लगाया है हमारे पूर्वजों ने, तो तिल का तेल तो बहुत ही फायदा है, जैसे कि आपको जाड़े अर्थात मतलब ठंडी में तिल का तेल इसे अधिक खाना है और अधिक लगाना है तिल, क्योंकि इसका तासीर गर्म होता है। तिल का तेल बालों के लिए काला करने में बहुत ही उपयोगी है। अगले उपाय की बात की जाए दोस्तों तो काली मिर्च दही और नींबू का रस, ठीक है, तो आधा कप आपको क्या करना है, आधा कप दही में चुटकी भर काली मिर्च लेना है और चम्मच में और 1 चम्मच भर नींबू का रस निकाल लेना है, इसको मिक्स कर लेना है और बालों में लगा लेना है, ठीक है। 15 मिनट बाद इसे धो लेना है तो आप देखेंगे कि बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं उसकी प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगी। अब आपको एक लास्ट कारगर चमत्कारिक पेस्ट बताता हूँ, 1 कटोरी में मेहंदी पाउडर ले लेना है, इसमें 2 बड़े चम्मच चाय का पानी, चाय का पानी जानते हो, हाँ जानते ही होंगे, चलो ठीक है, तो आपको 1 कटोरी में मेहंदी का पाउडर ले लेना है, इसमें 2 बड़े चम्मच चाय का पानी, ठीक है। दोस्तों 2 चम्मच आंवला पाउडर, ध्यान रखिए 2 चम्मच आंवला पाउडर डालना है, 1 चम्मच नींबू का रस डालना है, 2 चम्मच दही डालना है, शिकाकाई और रीठा पाउडर और 1 अंडा, ठीक है,
एक अंडा अगर आप लेना चाहे तो अंडा ऑप्शनल रहेगा, क्योंकि जिन लोगों को मतलब अंडे से प्रॉब्लम है वो अंडा नहीं लगाना है, तो ये अंडा ऑप्शनल है। अंडा बहुत ही फायदा करता है दोस्तों, लेकिन जिन्हें प्रॉब्लम्स हैं मतलब जिन्हें अच्छा नहीं लगता है वो ऑप्शनल दिया हूँ, अंडा नहीं लगाना है। तो आधा चम्मच नारियल का तेल और थोड़ा सा कत्था जो होता है पान के अंदर यूज करते हैं, ये सब लेके ये सब चीज़ों को लोहे की कढ़ाई में आपको डाल, एक लोहे की कढ़ाई लेना आयरन मतलब लोखंड वाली, ये नहीं कि एल्युमिनियम और स्टील का लेना है आपको, ये सब चीज़ों को लोहे की कढ़ाई में डालकर एक पेस्ट बनाकर रात को भिगो देना है। रात को भिगो देना, इसे सुबह बालों में लगाना है, रात भर भिगो के रखना है, सुबह उठ के बालों में लगा, फिर दो घंटे बाद धो लेना है, इसे करना है। ऐसे माह में कम से कम एक बार कर सकते हैं दोस्तों, बराबर, या महीने में कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर नई वीडियो मिले तब तक दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।